हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज वोटिंग हो रही है। 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गजों ने भी अपना वोट डाल दिया है। लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार सीएम सैनी अंबाला के नारायणगढ़ वोट डालने पहुंचे, तो वहीं खट्टर ने करनाल में मतदान किया। इस प्रकार केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा के फरीदाबाद में अपना वोट डाला है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुरुक्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया है। हिसार में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा भिवानी में, तो शाम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी और तो शाम से कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने भी यहां अपना वोट डाला है। इसी तरह कैथल में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं पंचकूला विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया है। वहीं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने चरखी दादरी में अपना वोट डाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 1031 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं। वहीं 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो के अभय सिंह चौटाला, जजपा के दुष्यंत चौटाला, भाजपा के अनिल विज और ओपी धनखड़ एवं कांग्रेस की विनेश फोगाट शामिल है। निर्दलीय उम्मीदवारों में सावित्री जिंदल, रंजीत चौटाला और चित्रा सरवारा शामिल हैं, जिनके साख दांव पर है। इसी के साथ आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, यानी 8 अक्टूबर के दिन उम्मीदवारों की तकदीर और बदलती तस्वीर का निर्णय हो जाएगा। साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि हरियाणा की जनता ने इस बार किसको सत्ता सौंपी है। गौरतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के शेड्यूल में बदलाव किया था। इलेक्शन कमीशन की ओर से नया शेड्यूल जारी किया गया। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी और 4 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित किया जाना था।